लॉकडाउन के दौरान सरकारी व निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे छात्रों की फीस माफी के लिए भारतीय जनवादी नौजवान सभा के द्वारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है। हमीरपुर में सभा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल मनकोटिया की अगुवाई में डीसी के माध्यम से प्रदेश मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। इस अवसर पर अनिल मनकोटिया ने कहा कि प्रदेश सरकार को लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए स्कूल के बच्चों से फीस नहीं लेनी चाहिए। मनकोटिया ने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान बच्चों की फीस माफ होनी चाहिए तथा निजी स्कूलों के प्राध्यापकों व स्टाफ को भी सरप्लस फंड से वेतन की अदायगी जल्द होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फीस ना देने की स्थिति में किसी भी बच्चे को स्कूल से ना निकाला जाए और जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त इंटरनेट की सुविधा भी मुहैया करवाई जानी चाहिए। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा की तरफ से डीसी महोदय को हमने एक ज्ञापन दिया है, जो कि मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को हमने प्रेषित किया है। और उसमें जो जितने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो स्कूली बच्चे हैं उनकी फीस माफ़ करने के लिए, और उसके साथ साथ हमने ये भी मांग उसमें रखी है कि इस लॉकडाउन अवधि में बहुत सारे लोगों का जो है वो रोज़गार चला गया है। छोटे बड़े जितने भी जो धंधे हैं, जो उनके काम है, वो सारे बंद पड़ चुके हैं, और बहुत सारे परिवार जो हैं वो फीस देने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए इस लॉकडाउन अवधि में जो है वो किसी भी बच्चे को जो है वो स्कूल से बाहर ना निकाला जाए, फीस ना देने की सूरत में। और उसके साथ साथ हमने ये भी इसमें मांग पत्र में लिखा है कि जितने भी जो निजी स्कूल हैं वो अपने स्कूल के सरप्लस फंड से जो हैं वो अपने जो स्टाफ है स्कूल का उसको वहाँ से वेतन की अदायगी करें। और ये एक ऐसा दौर है जिसमें सरकार को जो है बहुत गंभीरता के साथ इस मुद्दे को लेना चाहिए, और शिक्षा जो एक हमारा मौलिक अधिकार भी है उसकी सुरक्षा के लिए सरकार को तुरंत ये आदेश जारी करने चाहिए कि निजी स्कूल जो हैं वो अभिभावकों से फीस ना लें। और ऐसे दौर में सरकार जो है आम जनता, हिमाचल प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाए, यही मांगे जो हैं हमने भारत की जनवादी नौजवान सभा की तरफ से मुख्यमंत्री जी को हमने लिखी हैं।